गर्मी का मौसम है और देश में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। बिन पानी सबसून की इस कड़ी में जानिए कि दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत में जलाशयों का क्या हाल है। मॉनसून आने में अभी देर है और फिलहाल देश भर में पानी की भयानक किल्लत है। देश के कई भागों में सूखा पड़ा है, पीने का पानी नहीं है और किसान परेशान है। पिछले रिपोर्ट में हमने उत्तर भारत की स्थिति के बारे में चर्चा किया था। इस रिपोर्ट में हम नजर डालेंगे पश्चिम, मध्य भारत और खास करके दक्षिण भारत के हाल पे। पश्चिम भारत में भी गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 8.91 BCM का लाइव स्टोरेज है, जो कि कुल क्षमता का 33% है। पिछले साल यहां 21% लाइव स्टोरेज था और 10 साल का एवरेज 34% रहा है। मध्य भारत में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में लाइव स्टोरेज 15.87 BCM दर्ज किया गया, जो कि कुल क्षमता का 38% है। पिछले साल यहां 28% लाइव स्टोरेज था और 10 साल का एवरेज 25% रहा है। अप्रैल के महीने में तमिलनाडु के किसान सूखे से परेशान होकर जंतर मंतर पर अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट करते दिखे, जिसे कई दिनों तक सरकार ने अनदेखा किया, पर इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां की स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु को मिलाकर 31 जलाशयों को CWC मॉनिटर करता है, जिसका लाइव स्टोरेज 4.95 BCM है, जो कि कुल क्षमता का महज 10% है। पिछले साल यहां 14% लाइव स्टोरेज था और 10 साल का एवरेज यहां 21% का रहा है। यानी दक्षिण भारत पर इस साल सूखे की बड़ी मार पड़ी है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।